नारे लगा रहे थे फिलिस्तीन जिंदाबाद, ये लोग कह रहे थे कि दिवाली की परमिशन मिल गई, फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की परमिशन नहीं मिली, बोला यहाँ से चला जा वरना तेरे पे कार्रवाई करवा। जैसे उनको मना करा गया, मना करने के बाद उनमें से कोई एक बंदा था उसने किसी मुस्लिम लड़की को छेड़ा। मारपीट भानु प्रताप सिंह द्वारा शुरू की गई, भानु प्रताप और उसके साथियों द्वारा। बाहर से ड्यू के स्टूडेंट थे, पता नहीं कौन भानु प्रताप सिंह है जो इलेक्शन लड़ता है वहाँ के, जो भानु प्रताप सिंह है डूसू जो पैनल में वाइस प्रेसिडेंट के साथ प्रत्याशी है, वो जब वो आया यहाँ पे उसी की वजह से पूरा का पूरा माहौल खराब हुआ है, उसने माहौल खराब करने की कोशिश की है। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग जामिया में खड़े हैं और कल एक खबर आती है जामिया से जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती हैं दो गुटों के बीच में, क्योंकि सात आठ दिन बाद दिवाली होने वाली है, उसके पहले दिवाली का यहाँ पे जामिया में कार्यक्रम चल रहा था और कहते उसी बीच में जामिया दिवाली के कार्यक्रम के बीच में कुछ लोग आते हैं और उसमें ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, और ये भी बताया जा रहा है मीडिया में चर्चा है कि हाथापाई भी होती है जिसको वजह से पुलिस डिप्लॉय की जाती है और यहाँ पर मामला शांत किया जाता है, और जो मामला शुरू यहाँ से होता है बताया जा रहा है कि दिवाली के लिए जामिया में रंगोली वगैरह बनाई गई थी जिसके बाद से कुछ लोग आते हैं पैर से उसे मिटा देते हैं जिसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अनीस, अगर आप कैमरा जूम करके इधर से दिखाएं तो ये आप जो ये रोड बनाई गई है रोड के उस पार देखेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि रंगोलियां बनाई गई हैं, और ये माना जा रहा है मीडियम ये भी बताया जा रहा है कि यही रंगोली थी जिसको एक गुट की तरफ से मिटाया जाता है जिसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पे जो दो गुटों की बात हो रही है, बात की जा रही है एबीवीपी की तरफ से कार्यक्रम चल रहा था क्योंकि 7-8 दिन बाद दिवाली होने वाली है तो उसी दिवाली कार्यक्रम चल रहा था और दूसरे लोग आते हैं मिटा देते हैं, तो इस पूरे मुद्दे पे दोनों पक्षों को जान लेते हैं क्योंकि पत्रकारिता में ये सिखाया जाता है कि जब आप कोई खबर करते हैं तो दोनों पक्षों को जान लेना चाहिए फिर उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं जैसा कि हमने बताया कि लोगों से बात करते हैं, तो हमारे साथ यहाँ पे तीन शख्स हैं जो कि अभी क्लासेज करके आए हैं और एक लोग दिखा रहे थे कि ये अगर अनीस इधर दिखाएं तो ये बता रहे हैं कि कल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें हाथ भी टूटा था। पर क्या नाम है आपका? आनंद। पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? जी, मैं BA ऑनर्स हिंदी का तृतीय वर्ष का छात्र। कल प्रकरण क्या, कल का प्रकरण क्या है, क्या हुआ था थे यहाँ पे? जी, यहाँ पे कुछ उपद्रवियाँ आए, रंगोली की जो दीप लगी थी उसको पैर से कुचलने लगे, वीडियो बनाने के बाद उन्होंने विरोध जताया कि वीडियो मत बनाओ, उसके बाद हमारे कुछ बंधु को उन लोगों ने बकायदा घेर लिया था, उसके बाद हम लोग पहुंचे, उसके बाद नारे लगा रहे थे फिलिस्तीन जिंदाबाद, ये लोग कह रहे थे कि दिवाली की परमिशन मिल गई, फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की परमिशन नहीं मिली, इस वजह से और भी कुछ हुए और हमारे कुछ बंधु पीटे गए, और ये सामने जो दिख रहा है इधर गाड़ी लगी थी और इधर हम सब तीन बंधु थे, उधर 20-25 लोग थे, सब मिल के मारे थे, कुछ गार्ड लोगों ने हमें सही सलामत बाहर निकाल दी, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था उस समय। सुरक्षाकर्मी मौजूद थे? हाँ, सुरक्षाकर्मी मौजूद थे लेकिन अच्छी सपोर्ट नहीं मिली, उन्होंने हम लोगों को बाहर निकाला। नाम आपका क्या नाम है? अमन। अमन, क्या हुआ था कल का प्रकरण? देखिए, कल ज्यादातर बच्चे हम लोग बिहार के हैं और हम टिकट करा लिए अपना दिवाली घर जाने के लिए, हमने सोचा यहाँ दिवाली में मनाते हैं गालिब के पास, यहाँ मना लेते फिर घर जाएंगे, घर में तो मनाने। हाँ, दिए रखे थे, रंगोली कंपटीशन किए थे, उसी को कुछ हमारे सब लोग शामिल हुए थे, मुस्लिम सब लोग शामिल हुए थे, मुस्लिम बहने हमारी सब लोग शामिल हुई थी, रंगोली बना रही थी, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल होकर मना रहे, सब लोग शांतिपूर्वक मना रहे थे। उसके बाद कुछ 10-12 लोग आ गए, पता नहीं बाहर के थे अंदर के थे, कुछ वो लोग हंगामा करने लगे, गुंडागर्दी करने लगे, लात मारने लगे दीपक पे, फिर उसके बाद तो आपको पता ही। जो मीडियम बातें चली है, लोग बातें कर रहे हैं कि वो DU से ABVP के लोग आए थे या कुछ और लोग आए थे, वो कॉन्फ्लिक्ट? मैं ABVP से नहीं जुड़ा हूँ तो मुझे नहीं पता, कोई शायद ABVP का भी आया था कोई, लेकिन वो तो कितने बजे का प्रकरण है ये तो पूरी रात चलता रहा था। नहीं नहीं, शुरू कितने बजे? शुरू हुआ था 4:30 बजे से। आप लोग थे जब रंगोली बनाई जा रही थी? हम लोगों ने बनाई थी रंगोली। कुछ लोग बता रहे हैं मीडिया में बातें चल रही है कि आप लोग और कुछ बच्चियां भी थी वो लोग रंगोली बना रहे थे, कुछ लोग आते हैं पैर से इधर उधर करते थे रंगोली, ये नारा। हाँ, वो हाँ, हम थे 10 लोग आना स्टार्ट किए, पैर से मारने लगे, 10 से कब 50 हो गए कब 60 हो गए पता नहीं चला, फिर हम सब इधर उधर हो गए क्योंकि 60 लोगों से कौन मुकाबला करेंगे। लेकिन आरोप ये है कि आप लोग रंगोली बना रहे थे जब उन लोगों को देखा आप लोग जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे, उसके लगाया हुआ नारा मुझे पता नहीं, लेकिन आप थे तो आपने सुना होगा फिर, भारत माता की जय का नारा लगाया था एक, लगाया था लेकिन जय श्री राम का मैंने नहीं सुना था। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अभी क्या स्टेटस है? अभी स्टेटस तो आपको दिख ही रहा है क्या है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस क्या है, तो क्या कुछ होने वाला है इस तरह से हम बोल रहे हैं? अभी कुछ होने वाला है, कुछ अभी होगा जो पता चलेगा आपको, जो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की जब कल घटना हुई तो जैसे आप जैसे इन्होंने बताया कि अनीसा अगर दिखाए इधर तो ये बता रहे कि मेरा हाथ टूट गया, तो इसके बाद कुछ क्या कार्रवाई हुई आप लोगों ने कंप्लेन पुलिस में? अभी तो कंप्लेन नहीं हुई है अभी, क्या जी सबका फोटो वीडियो है उसमें, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती, हमारी प्रोक्टोरियल टीम से अनुरोध है कि वो वीडियो अपना जल्द रिलीज करे जिससे
सब क्लियर हो जाए कौन कौन थे कौन कौन नहीं थे। प्रोक्टोरियल टीम हमारी सहयोग करेगी तो हमें अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्रोक्टर वगैरह से मिले यहाँ पे, रजिस्ट्रार वगैरह? प्रोक्टर भी आए थे जब हाथापाई शुरू हुई, प्रोक्टर आए थे लेकिन उनसे कुछ विशेष नहीं हो पाई, विशेष बात नहीं हो पाई। तो ये आप एक समुदाय की बात सुन रहे हैं, एक गुट की बात सुन रहे हैं, हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे कि एक्चुअली मुद्दा क्या है, क्योंकि दोनों पक्षों को जानना जरूरी हो जाता है। आपने एक पक्ष की बात सुन ली जो उन्होंने बताया कि रंगोली का कार्यक्रम चल रहा था, 10-15 लोग आते हैं और रंगोली बिगाड़ देते हैं, उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि दोनों पक्षों की बातें जान लें। तो हमारे साथ शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल भाई, ये बताइए, हमने तो एक पक्ष का जान लिया कि क्या मुद्दा था, लेकिन मतलब कुछ लोग खड़े थे जिनके बोल रहे हैं हाथ टूटा हुआ है, कुछ लोगों ने हमें मारा, लेकिन हकीकत क्या, कल हुआ? कल हुआ क्या? कल हुआ रंगोली मना रहे थे वो, जो रंगोली मना रहे थे। अच्छा अच्छा, तो हुआ क्या पहले ये बताइए? हुआ ये था, इनको टाइम मिला हुआ था 4 से 6 बजे तक का, दिवाली के 6 बजे के बाद इनको बोला था डिस्पर्स हो जाना 6 बजे के बाद बिना के। पहली चीज ये 7:30 बजे तक इनका वो चलता रहा, उसके बाद अजान हुई, अजान के टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे वो चला दिए पटाखे बम चला दिए, इनसे खूब मना करा गया मत चलाओ। उसके विस्फोटक बंद भी है दिल्ली में, दिल्ली में बंद है। उसके बाद इन्होंने नारे वगैरह लगाए, जबकि कॉलेज में सब कुछ बैन है ऐसा नारे वगैरह लगाना, और वो भी रिलीजन को लेके। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे उनको मना करा गया, मना करने के बाद उनमें से कोई एक बंदा था, उसने किसी मुस्लिम लड़की को छेड़ा। छेड़ा तो ज्यादा वायरल हो जाएगी मेरी वीडियो। आप जो बातें बता दीजिए ना, आता हूँ, जो हकीकत हुआ बताइए, क्योंकि दूसरा पक्ष तो वो लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे, वो नारेबाजी कर रहे थे। धार्मिक नारा लगाना बिल्कुल इलीगल है, आपको भी सब पता है। यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने सब, और धार्मिक नारे लग रहे थे, बताओ धर्म कोई जाति नहीं सब, वही तो छेड़खाने उन्होंने स्टार्ट किया, और वो बाहर से आए हुए थे। सबसे बड़ी बात, वो इलीगल थे, जो भी थे वो स्टूडेंट थे ही नहीं, जामिया के स्टूडेंट नहीं थे वो यहाँ के। वो भानु प्रताप वगैरह हमारे पास फोटोज हैं सब है, वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, फिर उसके बाद छेड़खानी कर रहे हैं, अजान लग रही फिर भी वो पटाखे फोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही बहस स्टार्ट हो गई, कुछ नहीं था उसमें, फिर अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं, ठीक है वहाँ पे। फिर अभी कुछ लोगों से बात की, वो लोग ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पे दिवाली का कार्यक्रम मनाया, रंगोली मनाए जा रहे थे, लगभग 60-70% मुस्लिम लड़कियां भी थी, सब लोग मिलजुल के मना रहे थे दिवाली। मेरे क्लासमेट खुद हैं, हम सब, मैं तो खैर उस टाइम में मौजूद नहीं था, मैं मतलब जो ये लड़ाई हुई थी जो भी कुछ हुआ था उससे पहले मैं लाइब्रेरी से निकल गया था, बट मेरे क्लासमेट खुद थे वहाँ पे, हम सब रंगोली मना रहे थे, कोई मसला ही नहीं था। बाहर से कौन थे जो बाहर से आए? बाहर से ये ड्यू के स्टूडेंट थे, पता नहीं कौन, भानु प्रताप सिंह है जो इलेक्शन लड़ रहा है वहाँ के, वो सब थे, उन्होंने यहाँ पे धार्मिक नारे लगाए हैं, वो सब क्या है, उसको जैसे सब हुआ है। आप थे यहाँ पे? क्या नाम है? मैं सिप्तान हैदर, बीमार में छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ यहाँ पे, तो मैं खुद रंगोली वगैरह में शामिल था, इनकी जो मतलब खुशियां वगैरह हैं। सब ये बताइए, सभी लोग तो कार्यक्रम बता रहे हैं, आप ईमानदारी से ये बताइए कि ये मामला शुरू कैसे होता है, क्योंकि सभी लोग मिलकर रंगोली मना रहे थे। यहाँ पे होता है कि कुछ लोग जो हैं उनको मना करते हैं कि अभी जो दिए वगैरह हैं अब इनको थोड़ा बंद करवा दो वगैरह वगैरह, समय जो दिया है समय अभी पूरा अब हो गया है, नमाज का टाइम हो गया वगैरह वगैरह करके। तो इतने में वहां से कोई बता रहा है कि लड़की वगैरह को छेड़ दिया, इस वजह से थोड़ा सी अनबन हुई। तब इधर से मैं जो वहीं पे मौजूद था, मैं वहां से फिर लड़की कौन छेड़ा था क्या, ये जो उस साइड का व्यक्ति है, उस साइड का, अब मैं कैसे, जो रंगोली बनाने वालों में शामिल है उनमें छेड़ा, दिवाली मना रहे जी जी, तो वही उनमें से किसी ने छेड़ा है, हल्की फुल्की जो बात हुई है, फिर उसी से मामला बढ़ गया, तो थोड़ी बहुत अनबन हो गई, दोनों कक्षों में मारपीट हुई है इनमें। उसके बाद से पुलिस वगैरह भी डिप्लॉय की गई, पुलिस वगैरह उसके बाद से आई है, और जो है यहाँ यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो रहा है जैसे कि लोग बता रहे हैं जी, आज साइड है जो जी, फिर बस यही लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भानु प्रताप सिंह है डुसू, जो पैनल में वाइस प्रेसिडेंट के शायद प्रत्याशी है, वो जब वो आया यहाँ पे उसी की वजह से पूरा का पूरा माहौल खराब हुआ है, उसने ही माहौल खराब करने की कोशिश की है। जब यहाँ पर हम लोग जब आईडी हम लोग एंटर करते ना, हमारी 10 तरह से आईडी मांगता है, 10 तरह से जलील करता है ये पूरा प्रशासन जो है, और उस वो कैसे इलीगल होके अंदर आ गया है कि नहीं बात, जब यहाँ पे मतलब जांच होके जाता है जो यहाँ पे स्टूडेंट वही जाता है, तो फिर इलीगल दूसरे यूनिवर्सिटी कौन आ सकता है जी, तो वो भानु प्रताप अंदर कैसे पहुंच गया, हमें मतलब तुम 10 तरह से जलील करते हो अंदर पहुंचने से पहले, और वो अंदर पहुंच सकता है, हमें तुम जलील करोगे, तो ये मामला है। तो मारपीट वगैरह भी हुई थी? मारपीट भानु प्रताप सिंह द्वारा शुरू की गई, भानु प्रताप और उसके साथियों द्वारा, तब हमारे लोगों ने बचाव वगैरह किया है, और शायद बताया जा रहा है कि जो बचाव करने वाले हैं उनमें भी रिपोर्ट वगैरह लिखी गई किसी के ऊपर। तो इस पर आप लोगों ने प्रॉक्टर वगैरह से मिले? प्रॉक्टर खुद संगी मानसिकता के व्यक्ति है, एक दिन यहाँ पे कैमरे वगैरह जो नमाज में चोरी वगैरह जूते वगैरह हो जाते हैं, कोई भी कुछ भी घटना हो सकती है, मैंने बोला प्रॉक्टर से कि कैमरे वगैरह लगवा लो। प्रॉक्टर का जो पीए है उसने मुझसे कहा तू होता कौन है यहाँ पे, मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, बोला यहाँ से चला जा वरना तेरे पर कार्रवाई करवा दूंगा। प्रॉक्टर ने बोला? प्रॉक्टर के पीए ने बोला ये बात, मुझे उसका नाम याद है, चेहरा एकदम याद है मुझे उसका। तो ये आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से दोनों पक्षों के आरोप जो है वो आपने सुन लिए, लेकिन आपको तय करना है कि पूरा मामला, क्योंकि
पिछले लगभग एक दो हफ्तों से, फिर आप बहराइच का मामला सुन लीजिए, फिर राजस्थान के जयपुर का मामला देख लीजिए, फिर आप चाहे जामिया का मामला देख लीजिए, ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का एंगल देने का प्रयास किया जाता है। अब आपको तय करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। धन्यवाद।